गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको हम प्रश्नावली 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में समझाया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इसमें आपको परिमेय संख्या के बारे में बताना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका सॉल्व हमारा कैसे होगा? हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आपको हमने बताया है परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, शून्य, तो अगर हमारा शून्य 0/1 करेंगे तो हमारा पी ज़ीरो हो रहा है, क्यू ज़ीरो नहीं हो रहा ना। देखिए, जबकि इसे लिख लीजिएगा यहाँ पर, जबकि 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डैश डैश इत्यादि लगा सकते हैं आप। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक हमारा परिमेय संख्या है। क्या इसे पी बाई क्यू रूप में लिखा जा सकता है? तो लिख के हमने दिखा दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा आ रहा है, इसमें 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आपको हमने बता चुके हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती, कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो हमें 6 निकालना है, तो इसके लिए आपको एक नियम बताते हैं, उस नियम से करेंगे। आपका कोई भी परिमेय संख्या होगा उसके बीच आप कहीं भी आप परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये 3 है, ये 4 है, तो इसके बटे 1 ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ भी बटे 1 ले सकते हैं। दोनों का हर क्या है, समान है। हर क्या है हमारा, समान है। जब हमारा हर समान हो तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो उससे एक अधिक से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6, तो हमको 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 7, तो 7 से गुणा कर दीजिए आप अंश और हर में, और दूसरी संख्या में भी 7 से गुणा कर दीजिए अंश और हर में। तो 7 3 21/7, यहाँ कितना है, 7 4 28/7। देखिए, हमने 7 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब हमको जिसका हर बराबर हो, अगर जितनी परिमेय संख्या निकालने को कहा गया है उससे एक अधिक से गुणा कर देते हैं हम लोग अंश और हर में, हमने गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से सिंपल लिख दीजिए आप, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब देखिए, 21 था, 21 से 28 आ रहा है, तो 21 से ज़्यादा दुआ कितना होता है, 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। देख लीजिए, सिंपल सा हमारा, इनके बीच 6 परिमेय संख्या निकालना था 3 और 4 के बीच में, तो हमको 6 निकालना था, तो 6 से 1 ज़्यादा हमने 7 से गुणा कर दिया, 7 से ऊपर 7 से नीचे अंश और हर में गुणा कर दिया, दोनों संख्या में 21 और 28 आया, 21/7 और 28/7। तो 21 और 28 के बीच आपको लिखना था, मतलब कि 21 से ज़्यादा 28 से
कम, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमारी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।